क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 7 मई हमारे मनन चिंतन के लिए संत योहन का सुसमाचार 5वां अध्याय वाक्य 36 से लेकर 47 तक और आज के पवित्र वचन का जो मूल संदेश यह है कि आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए हमें मसीह के पास जाना है। 5वां अध्याय का शुरुआत में यहूदी लोग ईसा के कार्यों पर सवाल खड़े करते हैं। प्रभु ने एक रोगी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान की, वो भी विश्राम के दिवस। यहूदी जनता प्रभु पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने विश्राम दिवस का नियम तोड़े हैं और ईश्वर को अपना पिता कहकर ईश्वर के बराबर करने की कोशिश की है। जब मसीह पर ये आरोप लगाए गए तो प्रभु अपना अधिकार या अपने विषय में जो साक्ष्य पवित्र ग्रंथ के माध्यम से यहूदी जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु ने 3 साक्ष्य पवित्र ग्रंथ के सहायता से यहूदी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला साक्ष्य यह है कि प्रभु के बारे में योहन बपतिस्मा ने जो साक्ष्य दिया है, 5वां अध्याय का 35वां वाक्य में यह हम पढ़ते हैं, योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था, उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा। और योहन ने ज्योति के विषय में साक्ष्य दिया और ज्योति प्रभु ही है। और दूसरी जो साक्ष्य यह है कि प्रभु ने जो कार्य किया है वह पिता का कार्य है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ वही मेरे विषय में साक्षी देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। प्रभु का कार्य वही है जो पिता परमेश्वर ने उन्हें सौंप दिया है। प्रभु वही करते हैं जो परमेश्वर ने उनको सौंपा है, वह उनका कर्मों का साक्ष्य देता है। और तीसरी साक्ष्य यह है कि पवित्र ग्रंथ में प्रभु के बारे में मूसा द्वारा जो बताया गया है उनका साक्ष्य देते हुए प्रभु यहूदी लोगों के सामने स्थापित करते हैं कि मूसा द्वारा जो लिखा गया है वही उनका साक्ष्य है। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे। तो प्रभु यहूदी लोगों का जो आरोप है, गलत आरोप है, वो अपने साक्ष्य पवित्र ग्रंथ में जो दिया, अपने बारे में जो दिया है उसके माध्यम से अपने आप को प्रभु ईश्वर के रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो मुक्तिदाता है उनके रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। लोग यहूदी लोग जान चाहते हैं कि वो अनंत जीवन प्राप्त करना है, लेकिन अनंत जीवन जो देने वाला है उनके पास जाना नहीं चाहते। ये इसलिए हुआ कि जनता, यहूदी जनता मसीह के बारे में या मसीह को पहचाने ही नहीं है, उनके बारे में जाना ही नहीं।
तीन चीज़ें मसीह के बारे में आज के पवित्र ग्रंथ में बताया गया है। पहला यह है कि मसीह पिता के नाम पर आया है। दूसरा कि मसीह सम्मान नहीं चाहते हैं। और तीसरी वह अपनी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर की जिन्होंने उन्हें भेजा है उनकी इच्छा चाहते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह का पहचान यह है कि वो पिता के नाम पर आया है और पिता का मसीह अपना सम्मान नहीं चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं जिन्होंने उनको भेजा है। और वो अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो आए हैं। हम लोग भी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मसीह की जो पहचान है वो अपनाने के लिए कोशिश करें। प्रभु प्रचुर मात्रा में हमें अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।